स्वागत है आपका Adobe Photoshop CS3 में। आज मैं आपको Photoshop की हीलिंग टूल के एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फ़ोटो को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे आप अपने फ़ोटोज़ को अनवांटेड जो ब्लैक स्पॉट्स, पिंपल्स एक्सेट्रा को कैसे क्लीन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीलिंग ब्रश टूल। तो और मैं आपको बताऊँगा कैसे हम ब्रश टूल से ड्राॅइंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और कहीं से भी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वेलकम बैक टू द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ फोटोशॉप। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे हम अपनी फोटोज के अंदर ये जो मार्क्स होते हैं, मार्क्स को कैसे हम निकाल सकते हैं या उसको हम यहाँ से क्लीन कर सकते हैं। तो क्लीन करने के लिए आपको क्या करना है, फोटोशॉप में यहाँ पे आपको मिलेगा एक टूल, इसका नाम है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, जिसका शॉर्टकट की है जे। जैसे ही आप यहाँ पे जे प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्कल आ रहा है, ठीक है। ये है मूव टूल। जैसे आप प्रेस करेंगे जे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिलेगा आपको एक हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कैसे हम इसको क्लीन करते हैं, ठीक है। आपको बस यहाँ पे जाना है, लेयर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपको मूव टूल से लेयर का नाम सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको प्रेस करना है जे। जैसे आप जे प्रेस करेंगे यहाँ पे आपको ये इतना छोटा आपको ब्रश टूल मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इसको आपको जस्ट ऐसे घुमाना है। जैसे आप घुमाएंगे देखेंगे आप यहाँ पे ये चला गया, ठीक है। इस तरह से आपको जस्ट इस पर ऐसे घुमाना है। जैसे जैसे आप घुमाएंगे ये क्लीन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपको थोड़ा थोड़ा सा घुमाना होगा, ठीक है। यहाँ पे भी है, जूम कर लेते हैं, ठीक है। जे, जैसे आप जे प्रेस करेंगे यहाँ पे जाएंगे जे टूल, जूम करके जे टूल थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, बस आपको ऐसे घुमाना है, ठीक है। आपको थोड़ा ऐसे घुमाना है, जैसे जैसे आप घुमाएंगे ये क्लीन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ है, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा है, ठीक है, और यहाँ पे है, इसको ऐसे थोड़ा सा क्लीन करने का। तो हीलिंग ब्रश से हम इस तरह से जो पिंपल्स होते हैं उनको इस तरह से हम क्लीन कर सकते हैं। तो दूसरा टूल जो है वो है यहाँ पे हीलिंग ब्रश टूल, जिसका शॉर्टकट की है जे। जस्ट आपको शिफ्ट और जे प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे भी एक सर्कल आ गया है, ठीक है। इसको सर्कल को क्या करना है, अभी आपको इसको निकालना है। तो आपको क्या करना है, इसको सैंपल करना पड़ेगा। सैंपलिंग के लिए आप पहले जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपको ये बताएगा कि ऑल्ट क्लिक टू डिफाइन ए सोर्स पॉइंट टू बी यूज टू रिपेयर द इमेज, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे सैम्पलिंग करनी पड़ेगी, पहले इमेज को यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऑल्ट, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे, जब आप यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पे सैम्पल किया वही यहाँ पे आएगा, ठीक है। इस तरह से आप पकड़ेंगे इस इधर थोड़ा इस तरह से क्लीन करेंगे, तो इस तरह से ये टूल यूज़ करते हुए हम ऐसे मार्क्स निकाल सकते हैं इस तरह से, ठीक। आपको यहाँ पे थोड़े से ऑप्शंस मिलेंगे जिसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, जस्ट आपको यहाँ पे इस तरह से क्लीन करना है। स्लोली स्लोली क्लीन करेंगे, ठीक है, इस तरह से। देखिए पहले ऐसा था, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे अब ये क्लीन हो गया। यहाँ पे भी हम ऐसे ही क्लीन करेंगे, ठीक है। सिंपल है, जस्ट आपको जे प्रेस करना है, जे प्रेस करना है, यहाँ पर सैम्पलिंग करना है और यहाँ पे प्रेस करना है, ठीक है। इस तरह से और एक जो टूल है वो है पैच टूल। जस्ट आपको जे प्रेस करना है, फिर से आप क्या करेंगे इसको इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आपको इसको होल्ड करना है और इस तरह से मूव करके यहाँ पे छोड़ देना, ठीक है, इतना ही, जस्ट सिंपल। फिर मैं फिर से करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप क्या करेंगे यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको पैच टूल, ठीक है। ये है पैच टूल, कंट्रोल आप जे दबाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा जे, ठीक है। आप जे दबाएंगे, जे प्रेस करके इसको आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फ्री हैंड टूल है, इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद
इसको आप होल्ड करेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, ऊपर लेके जाएंगे, जहाँ पे जाएंगे वहाँ का आपको पैच यहाँ पे अवेलेबल होगा। कंट्रोल डी, बैक आके देखें, ठीक है, तो यहाँ पे था, अब यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक छोटा है, इसको भी हम देखेंगे, ठीक है, इस तरह से इसको कुछ नहीं करना है, बस इस ऐसे घुमाएंगे, थोड़ा इधर लेकर आके छोड़ देंगे, ठीक है, कंट्रोल डी फिर से एक बार करेंगे, ठीक, बस इस तरह से हम मार्क्स जो है, अपने मार्क्स जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, बस आपको इसको यहाँ रख देंगे, इस तरह से चला गया। आपको ये भी है, आपको इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ पर रख देंगे, फिर से एक बार, ठीक, ऐसा एक से ज़्यादा बार करना पड़ेगा आपको, ठीक है, जब तक आपको नहीं लगता कि इमेज क्लियर है तो ठीक है, फिर हम थोड़ा सा हीलिंग स्पॉट टूल लेकर थोड़ा सा क्लीन करेंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिफोर, ये आफ्टर है, ठीक है, यूजिंग हीलिंग ब्रश टूल हमने ये बनाया, ठीक है, पहले इतने सारे पिंपल्स थे, अभी यहाँ देखो कितना क्लीन हो, ठीक है, तो अगला जो टूल है वो है, इसी में वो है रेड आई टूल, ठीक है, रेड आई टूल के लिए मैं यहाँ पे एक इमेज है, ठीक है, ये देखिए ये इमेज है, तो इस तरह की इमेजेस जो होते हैं वो, इसको हम रेड आई कहते हैं, ठीक है, ये ऑलमोस्ट बहुत पहले के कैमरों में आते थे, अभी थोड़ा कम है, ठीक है, इसको क्या करना है, ऐसे इमेजेस को हम क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे इमेज को, ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे इसी में, यहाँ पे हमको आखिर में मिलेगा, ये है रेड आई टूल, ठीक है, आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे, इस आंख पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए ये चले जाएगा, ठीक है, इस तरह से क्लिक करेंगे चला जाएगा, सिंपल है, जस्ट आपको मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे जाना है आई टूल में, आई सेलेक्ट करना है, इमेज पेज जाना है, इस पर क्लिक करना है, इसे आप क्लिक करेंगे ये चला जाएगा, आपको सेव कर देना है बस। तो ये थे कुछ स्पेशल फोटोशॉप के जो टूल्स जिससे हम रीटचिंग करते हैं, टचअप करते हैं, क्लीन करते हैं स्किन को, स्पॉट्स निकालते हैं और रेड आई भी निकालते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे हम ब्रश टूल से कई तरह के इमेजेस ड्रॉ कर सकते हैं। ब्रश टूल, पेन टूल से हम कई तरह के इमेजेस ड्रॉ करते हैं। पहले भी आपने पेंट में देखा होगा कि कैसे हम ब्रश से कई तरह के इमेजेस ड्रॉ करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे हम ब्रश से और पेंसिल टूल से कई तरह की ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे हम एक ब्रश टूल से ब्रशिंग करेंगे। पहले हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ ब्रश टूल, ठीक है, ओके, तो ये हमारा कैनवास आ गया, यहाँ पे पेपर आ गया, खाली पेपर है। अभी हम जाएंगे ब्रश में, यहाँ पे आपको मिलेगा ब्रश टूल, ठीक है, शॉर्टकट की है बी, जैसे आप बी प्रेस करेंगे ये आपका ब्रश टूल एक्टिवेट हो जाएगा। आपको क्या करना है, जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रश टूल साइजेस आपको यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाएंगे, आपको यहाँ पे ब्रश के पास मिलेगा साइज, ये जो है साइज होता है ब्रश का, यहाँ पे बहुत सारे ब्रशेस हैं अलग अलग डिज़ाइन के, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे, पहले हम ये सेलेक्ट कर लेंगे, इसका साइज बड़ा करेंगे, ठीक है, इस तरह से हम यहाँ जाके साइज बड़ा कर सकते हैं। आप शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं, ये आपको ब्रैकेट की प्रेस करना होगा, राइट साइड ब्रैकेट की करेंगे तो ये बड़ा होगा और छोटा करेंगे तो ये छोटा होगा, ठीक है, पहले मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से ये बड़ा है, अगर आप वही छोटा करेंगे, ठीक है, ब्रश टूल में जाके छोटा करेंगे तो ये छोटा होगा, ठीक है, ये है ब्रश टूल, ठीक है, इस तरह से आप अलग अलग यहाँ पे शेप्स में अवेलेबल है ये, ठीक है, ठीक है, ये, ठीक है, इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, आप ऐसे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, अलग अलग शेप्स है, शेप्स यूज करके भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से
आप पेंट कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है। इस तरह से चारकोल है, इस तरह से वाह अच्छा ठीक है। और भी शेप्स है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला शेप, ठीक है, यहाँ पे एक है ये वाला शेप, ठीक है। इस तरह से आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे एम, ठीक है, ए टी ई एन। आपने पेंट में सीखा होगा, सेम उसी तरह ब्रश से हम जो चाहे वो डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक है, ठीक है, इस तरह से अलग 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 डिज़ाइंस है ब्रश टूल में, ठीक है। जो अगला टूल है वो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अगला टूल जो है मैं आपको बताने वाला हूँ वो है स्टैम्पिंग टूल, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है फोटोशॉप में, तो मैं आपको बताऊंगा स्टैम्पिंग टूल के बारे में। स्टैम्पिंग टूल एक टूल है, जिस जैसे हम हीलिंग टूल यूज़ करते हैं उसी तरह स्टैम्पिंग टूल को भी यूज़ करना है। स्टैम्पिंग टूल के लिए आपको यहाँ पे स्टैम्पिंग पे जाना है, शॉर्टकट की एस है। पहले आपको सैंपल लेना है, ठीक है। इसको यहाँ पे आप ऑल्ट दबाएंगे तो आप देखेंगे आपका कर्जर चेंज हो रहा है, ठीक है। सेलेक्ट कर लीजिए, आप ये सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे देखेंगे आपको इसका डुप्लीकेट बन गया, ठीक है। यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आपका डुप्लीकेट आ गया। इस तरह से क्लोन बन जाता है, एक कॉपी बन जाता है, डुप्लीकेट कॉपी। आप जहाँ का सैंपल लेंगे वहाँ का डुप्लीकेट कॉपी बनेगा। अगर आप यहाँ का सैंपल लेकर इसको ऐसे करेंगे तो ये चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम स्टैम्पिंग करते हैं, अनवांटेड चीज़ों को हम इस तरह से भी स्टैम्पिंग करके निकाल देते हैं। और एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये तो हो गया, दूसरा ये है स्टैम्पिंग टूल का, ठीक है। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल समझिए कि आपको थोड़ा सा इस ऐसे प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे थोड़ा सा गैप है। अब इसको क्या करेंगे, हम स्टैम्पिंग टूल से फिल करेंगे। क्या करेंगे, एस दबाएंगे या यहाँ पे जाके इसको यहाँ पे स्टैम्पिंग टूल लेंगे, इसको थोड़ा छोटा करेंगे। छोटा करने के लिए स्मॉल राइट लेफ्ट साइड ब्रैकेट दबाएंगे, तीन चार बार दबाएंगे तो छोटा हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सैंपल लेंगे, सैंपल लेके इसको ऐसे प्रेस करेंगे, प्रेस करते जाएंगे, प्रेस करते जाएंगे, ऊपर तक जाएंगे, ठीक है, इस तरह से, या इसको हम ऐसे ड्रैग करेंगे, ठीक है, इस तरह से। ये यहाँ का स्टैम्पिंग लेके यहाँ पे इसको स्टैम्प करना है, बस इस तरह से यहाँ पे लेना है, यहाँ पे स्टैम्प करना है। जहाँ का हम सैंपल लेंगे वहाँ का वो स्टैम्प होगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ से लेंगे, यहाँ पे स्टैम्प करेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ पे स्टैम्प, यहाँ से लेंगे, यहाँ पे इसको स्टैम्प करेंगे, इस तरह से, हम क्या करते हैं, फिल करते हैं गैप्स को। जब गैप्स होते हैं फोटोज़ में, अनवांटेड चीज़ें होती हैं, इसको हम इस तरह से थोड़ा सा फिल कर देते हैं, ठीक, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देंगे, ठीक है। इस तरह से अभी ये डिफरेंस नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कुछ है, इसको ऐसा थोड़ा सा स्टैम्पिंग कर देंगे तो ज़्यादा अजीब नहीं लगेगा, ठीक है। शॉर्टकट की है एस, एस प्रेस करना है, बस आपको स्टैम्पिंग करना, ठीक है। तो अगला जो है टूल है वो है यहाँ पे हमारा शार्प ब्लर टूल, ठीक है। मैं आपको यहाँ बताऊँगा, अगर आपको ऐसा कहीं पे टेक्स्ट है जिसको आप ब्लर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, इसको सिलेक्ट करना है, शॉर्टकट की है आर। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक ब्रश टूल मिलेगा, आपको बस उस पे जाना है, सिलेक्ट करना है लेयर को और उसको ब्लर करने के लिए ब्लर टूल से जस्ट आपको इसको इस तरह से ब्लर करना है। ऐसे आप घुमाएंगे इस पे तो, और राइट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, सॉरी, राइट लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये ब्लर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप
आपके पास कोई टेक्स्ट है जो थोड़ा सा ब्लर है तो उसको शार्पन करने के लिए और एक टूल यहाँ पे है, वो है आर। इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप इसको देखेंगे कि ये थोड़ा ब्लर है तो, मगर अब जब आप इस पर ऐसे घुमाएंगे और लेफ्ट क्लिक करेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा ये शार्प होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे भी आपके पास थोड़ा सा शार्प होगा। ठीक है, इस तरह से कुछ शार्प होगा। और एक टूल है हमारे पास, यहाँ पे होल्ड करेंगे, यहाँ है स्मर्ज। ठीक है, स्मर्ज टूल आपको क्या करता है, आपको क्या करना है, वी प्रेस करना है, ग्राउंड टूल सिलेक्ट करना है और आपको प्रेस करना है आर। इसके बाद ठीक है, आप यहाँ पे अब जाएंगे इसको, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से आप सिर्फ एक ही लेटर को भी आप थोड़ा सा स्मज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप स्मज टूल यूज कर सकते हैं। तो होप आपको ये पसंद आया होगा। ये टूल्स बहुत इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी चीज़ को ब्लर करना चाहते हैं, या किसी चीज़ को कवर अप करना चाहते हैं, या किसी चीज़ को आप टचअप करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें फोटोशॉप में बहुत यूज़ की जाती हैं। और भी बहुत सारे टूल्स आगे हैं जिसका हम यूज़ करना सिखाऊंगा अगले क्लास में। तो तब तक बी हैप्पी, बी क्रिएटिव, पीस आउट।